राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़कियों के बारे में। जी हाँ, कि आखिर किस घर में भगवान लड़की का जन्म देते हैं और लड़की का घर में जन्म होने से क्या क्या खुशियाँ होती है, भगवान किस घर को चुनते हैं लड़की के जन्म के लिए, जन्म लेने से लोगों का क्या आचरण होता है, क्या विचार होता है, ऐसे कौन से हम कर्म करते हैं जिससे कि हमें लड़की प्राप्त होती है और या लड़का प्राप्त होता है। देखिए, आज का जो समाज है, चाहे हम कितनी भी मॉडर्न बात कर लें, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, पढ़े लिखे समाज में रह रहे, फिर भी कुछ लोगों की जो सोच है उसमें, उनकी जो सोच है वो यही मानते हैं कि पुरुष प्रधान सब चीज होनी चाहिए। और आज भी आपको ऐसे समाज मिल जाएगा जहाँ पर कि पुरुष को प्रधान माना जाता है, जहाँ पर महिलाओं की और बेटियों की कोई वैल्यू नहीं होती है। आज भी कुछ ऐसी जगह आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ ऐसे परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे कि यदि जहाँ पर बेटियों का जन्म हो जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं और मायूसी छा जाती है। लेकिन ऐसे जो लोग लड़कियों के होने पर मायूस होते हैं और मातम मनाते हैं, वो मूर्ख होते हैं। लड़कियाँ बड़े सौभाग्य से मिलती हैं और बड़े अच्छे अगर आपने कोई कर्म करे हैं तभी भगवान विशेष तौर पर आपका घर चुनता है। यदि आपने वाकई में कोई अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, उन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से ही बेटी आपके घर में जन्म लेती हैं। और बेटी को पालना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। भगवान भी देख के सोच समझ के ऐसे परिवार को चुनते हैं जहाँ बेटियों की देखरेख हो सके, जहाँ लोगों ने बहुत पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, ऐसे ही घर में भगवान बेटी को जन्म देता है। और जो लोग बेटियों का अपमान करते हैं, जो लोग बेटियों की महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, ऐसे लोग अंत में बहुत दुख पाते हैं और भगवान ऐसे लोगों को संतानहीन रखता, उनको संतान प्राप्ति नहीं होने देता। प्यारे दोस्तों, इसी पर मैं आपको एक छोटी सी अर्जुन द्वारा पूछी गई भगवान विष्णु से एक बात वो बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, हे माधव, किन कर्मों के कारण एक घर में पुत्री प्राप्त होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे का जन्म हुआ है तो समझ लीजिए वो भाग्य से पैदा हुआ है, लेकिन जिस घर में बेटी पैदा हुई है तो समझ लीजिए वो सौभाग्य से पैदा हुई है, यानी उसका सौभाग्य है यदि उसके घर में बेटी पैदा हुई है। एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत ही ज्यादा वो सौभाग्यशाली होती हैं जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वे बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रहती हैं, मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म रुक जाएगा, उस दिन इस सृष्टि में धीरे धीरे इस पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को बताया था कि सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जिसके घर में बेटी जन्म लेती है। तो प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर यदि गौर किया जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश नहीं चलेगा। देखो मित्रों, कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है जबकि बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। बेटियां बहु परिवार किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की भू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो ऐसी स्थिति में बहू पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है, वही किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। लेकिन कुछ लोगों की सोच यह है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दी जाए,
कुछ इस तरीके की सोच के भी लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। आप एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं ये सोच के जरा देखिए। उसे कुछ करना है लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर यदि हमें बेटी हुई है और हम बेटी के माता पिता हैं तो यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसलिए हमें अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छी तरीके से करना चाहिए। एक बेटा जो नहीं कर सकता वो एक बेटी आपके लिए कर सकती है। दो दो परिवारों को वो चला सकती है। इसलिए बेटी का अपने जीवन में अलग ही महत्व होता है। प्यारे मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है तो स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो जो ऐसे ही पुरुषों की जो आत्मा है स्त्री का शरीर धारण कर लेती है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वो अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कर्म करने से या सोचने से आपको बेटी के रूप में जन्म मिलता है या फिर बेटी के रूप में जन्म मिलता है। तो इसलिए जब भी हम मर रहे होते हैं या हमारे प्राण निकलने वाले होते हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि अंतिम क्षण है, तो ऐसी स्थिति में हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, ना कि किसी स्त्री या फिर पुरुष के बारे में सोचना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कर्म करने से हमें स्त्री या पुरुष का जन्म प्राप्त होता है और भगवान हमें कब चुनते हैं एक बेटी के माता पिता के लिए और एक बेटी का घर में जन्म होने से क्या क्या सौभाग्य हमें प्राप्त होते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।